मटेरियोलॉजी होता क्या वैसे? मटेरियल नमस्कार देवी और सज्जनों, इस प्रोग्राम का नाम है अंतर्मन और आज मेरे साथ है पंडित गोविंद नारायण तिवारी जी, जिनके साथ हम जानेंगे सात फेरों के सात वचन। यानी आज की जो कविता है उसका शीर्षक है दाम्पत्य जीवन का सनातन संविधान। जी हाँ, सनातन संविधान क्या होता है तो जानते हैं उनसे। नमस्कार। नमस्कार। अब मैं आपको जो विवाह पद्धति है उसमें वर कन्या एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, सात पांच वचन कहते हैं इनको। कन्या सर्वप्रथम सात वचन वर से कहती है, वर उसको स्वीकार करता है, तत्पश्चात वर भी पांच वचन कन्या से बोलता है जिसको कन्या स्वीकार करती है, तभी एक दूसरे का विवाह संपन्न होता है। सात फेरे इसके बाद होते हैं, इसीलिए इस कविता का नाम दाम्पत्य जीवन का सनातन संविधान है। शुभ विवाह की वेदी पर आयुष्मती कन्या के सात वचन। सबसे पहला वचन है कन्या का, कन्या कहती है यज्ञ दान तीर्थ व्रत सारे यदि तुम मेरे साथ करोगे तभी बनूंगी वामांगी मैं। वामांगी का मतलब होता है पत्नी बनना, इसलिए कन्या कहती यज्ञ दान तीर्थ हमारे साथ आपको सब करना पड़ेंगे मिलकर। दूसरा कन्या का वचन है देवों को हविष्य देकर और पितरों का पूजन तर्पण भी यदि तुम मेरे साथ करोगे तभी आऊं बामांग आपके। देवों को हविष्य देना, पितरों का पूजन तर्पण भी साथ करना पड़ेगा, वर इसको साथ में हामी भरता जाता है। दूसरा वचन भरने सुन लिया उसने कहा आगे बढ़िए। तीसरा वचन कन्या का है परिवार जनों की रक्षा अरु पशुपालन कृषि कार्य सभी कुछ यदि तुम मेरे साथ करोगे तभी बनूंगी जीवन साथी। सारे कार्य करके परिवार जनों की सेवा रक्षा पशुपालन कृषि कार्य सब कुछ कन्या कहती हम आपके साथ मिलकर करेंगे, इस बात को आप स्वीकार करें। वर कहता ठीक है, स्वीकार किया। चौथा वचन है कन्या का वर से आय व्यय का लेखा जोखा भोजन भोजनादि की सभी व्यवस्था यदि तुम मेरे साथ करोगे तभी बनूंगी जीवन साथी। आय व्यय का लेखा जोखा का मतलब है घर का पूरा हिसाब किताब रखना, आना जाना, भोजनादि की व्यवस्था सब कुछ मिलकर करना है। अगला वचन है कन्या का कूप तड़ाग बाग देवालय शुभ कर्मों में शामिल कर लो यदि तुम मेरे साथ रहोगे तभी आऊं बामांग आपके। सारे धर्म कार्यों में हमें आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा तभी मैं जीवन साथी बनूंगी। अगला वचन है देशाटन पर्यटन और व्यवसाय हेतु आप कहीं अन्यत्र जाएंगे मैं भी साथ रहूंगी प्रियवर ये वादा भी करना होगा तभी आऊं बामांग आपके। देशाटन पर्यटन और व्यवसाय हेतु कहीं आप बाहर जाएंगे मैं भी साथ रहूंगी ये वादा भी आप करेंगे हमारे साथ। अंतिम वचन है सातवां वचन कन्या कहती है वर्जित है स्पर्श किसी पर नारी का पत्नी व्रत का पालन प्रियवर करना होगा ये वादा तुम साथ करोगे तभी बनूंगी जीवन साथी। आप हमारे अलावा किसी स्त्री का ना तो चिंतन करेंगे ना स्पर्श करेंगे ये वादा भी आप हमारे साथ करेंगे तभी हम आपके जीवन में आएंगे जीवन साथी बनेंगे। स्वीकार करिए ये बात। सातों वचन पर ध्यान पूर्वक सुनकर हामी भरता है, तत्पश्चात वो कहता है कन्या से कि हमारे भी कुछ वचन हैं
सिर्फ हमारे पांच वचन हैं जिनको आप ध्यान पूर्वक सुनेंगी, फिर हम लोग विवाह बंधन में बंध जाएंगे। वर का प्रथम वचन है, वर कहता है, श्रृंगार रहे अनुकूल समय के देवालय उत्सव में जाना, घर पर रहे उपस्थिति मेरी, जीवन हरा भरा होगा, किंतु यदि परदेश गमन है मेरा तो ये बातें सभी निरर्थक, इतना संयम रखना होगा तभी बनूंगा जीवन साथी। आपको वर कहता है कि आपको समय के अनुकूल श्रृंगार करना है तब जीवन सही चलेगा। वर का दूसरा वचन है, वर कहता है, सोच एक सा चित्त एक सा, आज्ञा का उल्लंघन ना हो, मेरे शब्द हृदय में रखना तभी बनूंगा जीवन साथी। हम दोनों का सोच एक जैसा हो, चित्त भी एक जैसा हो और आपस में एक दूसरे की आज्ञा का उल्लंघन ना हो, ये मन में विचार करके आगे बढ़ना है। तीसरा वचन है वर का, वर कहता है, जिससे सुख संतोष रहे बस जीवन में वह करना है, मेरे परिजन भाई बंधु और मित्रों का सम्मान करेंगे, सत्कार करेंगे, यही पतिव्रत धर्म आपका, यह वादा भी करना होगा तभी बनूंगा जीवन साथी। हमारे मित्रों का परिजनों का सबका सत्कार भी करेंगे आप, आदर करेंगे, यही आपका पतिव्रत धर्म है, तब मैं जीवन साथी बनूंगा। अगला वचन है वर का, पति पत्नी ही जीवन रथ के दो पहिए हैं, आपस का विश्वास समर्पण इनको गति देता है, कोई विरोधाभास नहीं हो तभी बनूंगा जीवन साथी। जो जीवन का गाड़ी है, जीवन का जो रथ है, उसके दो पहिए हैं, एक पति है एक पत्नी, दोनों अगर संतुलित हैं तो जीवन आगे ठीक प्रकार आगे बढ़ता है। इसलिए विरोधाभास नहीं होना चाहिए आपस में। अंतिम वचन वर का है, पांचवा वचन, वर कहता है, मेरे मनोयोग को पढ़कर आज्ञा के अनुसार चलेंगी तभी मिलेगा हृदय हमारा, आपस में सुलझाएं समस्या, खबर नहीं हो किसी गैर को, यह संतुलन बनाना होगा तभी बनूंगा जीवन साथी। आपस की समस्याएं स्वयं सुलझाना है, किसी दूसरे को इन चीजों का पता नहीं होना चाहिए, तभी हमारा जीवन आगे सुखमय रहेगा, तभी हमारा हृदय मिलेगा। ये बात पांचों वचन कन्या वर के ठीक प्रकार समझकर मान लेती है, अब दोनों विवाह के लिए तैयार होते हैं। अपने अपने व्रत पालन की करें प्रतिज्ञा, अब गृहस्थ में जाते हैं हम, अभी आज से अब बन जाते हैं हम जीवन भर के साथी, आशीष सभी का लेकर जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन में आगे बढ़ना है। धन्यवाद। तो देखा देवी और सज्जनों, आपने ये थे शादी के जो पवित्र बंधन होता है, यानी सात फेरों का बंधन, और उसमें जो सात वचन होते हैं वो वधू की तरफ से होते हैं और पांच वचन होते हैं वर की तरफ से। तो ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग बातें आपके लिए लेते लेकर आते रहेंगे इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है अंतर्मन। तो पंडित जी, आप सभी से लेते हैं इजाजत, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ। टिल देन, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। आप कुछ मैं इसी प्रकार के ज्ञान वर्धक कविताएं और जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ों का आपको बताता रहूँगा, जिससे आपको बहुत लाभ होगा। ये अंतर्मन का चैनल आपको आपकी सेवा में सदैव उपस्थित रहेगा। धन्यवाद।